हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनप्रीत तीमन। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शिक्षक भर्ती के फॉर्म फिल हो चुके हैं। 18 अगस्त लास्ट डेट थी, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और तैयारी में लगे हुए हैं। रेगुलर तैयारी करते रहिए। कोई भी जो है वो आप लोगों के सामने ऐसी न्यूज आती है कि EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भर्ती पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा, तो ऐसी जो चीजें होती हैं उन पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है वो होगा। केस जो है वो इतना मजबूत नहीं है और जिस वजह से इतनी बड़ी भर्ती को रोका जाए। तो यहां पर हम बात करेंगे कि कुल कितने फॉर्म जो है वो भरे गए हैं, यहां जितनी भी पोस्ट हैं TGT PGT नॉन टीचिंग स्टाफ प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन के, और एक सीट पर जो है कितने स्टूडेंट का जो है वो कंपटीशन रहने वाला है। यदि ये चीज जो है थोड़ी से पता लग जाती है तो कंपटीशन को फाइट करने में थोड़ी आसानी रहती है। एग्जाम डेट जो है वो क्या रह सकती है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये जो है EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की मेन वेबसाइट है और आप इससे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है। यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो हर पोस्ट के लिए पहले अलग थी, जैसे कि TGT हॉस्टल वार्डन की लास्ट डेट 19 जुलाई थी और उसके बाद जो है यहाँ पर PGT की जो लास्ट डेट थी वो 5 जुलाई थी, लेकिन बाद में जो है 18 अगस्त तक जो है वो फॉर्म भरवाए गए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 18 अगस्त तक जो है वो कितने फॉर्म फिल किए हैं और आपकी कंपटीशन में कितने स्टूडेंट हैं। तो एक जो है वो बहुत अच्छा खासा जो है यहाँ पर डेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ EMRS टोटल कितने फॉर्म जो है वो भरे गए हैं। तो 18 अगस्त लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। यहाँ पर जो है टोटल फॉर्म TGT में 3 लाख भरे गए हैं, PGT में 4 लाख, प्रिंसिपल में 21 हजार, नॉन टीचिंग स्टाफ में 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं और हॉस्टल वार्डन में 6 लाख। तो यहाँ पर जो है वो आपकी कंपटीशन में जो है वो कितने बच्चे हैं ये अगर आपको पता लगता है तो आप लोग तैयारी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ TGT में 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी जो है वो 5,660 है, यानी एक सीट पर जो है वो 53 स्टूडेंट है, 53 स्टूडेंट। PGT जो है यहाँ पर कंपटीशन जो है वो TGT से ज्यादा है क्योंकि फॉर्म जो है वो सबसे यहाँ पर जो है 4 लाख हैं, TGT से अधिक हैं और वैकेंसी यहाँ पर कम है 2,266, यानी 176 स्टूडेंट एक सीट को पाने के लिए यहाँ पर कंपटीशन करने वाले हैं। प्रिंसिपल में यहाँ पर जो है वैकेंसी भी कम है और फॉर्म भी कम ही भरे गए हैं, 21,000 फॉर्म है टोटल और वैकेंसी जो है 303। यहाँ पर 69 स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर कंपटीशन में है। नॉन टीचिंग स्टाफ में यहाँ पर 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं जहाँ पर वैकेंसी 1493 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 468 स्टूडेंट। अब आप इन डेटा को देखकर जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट ने यहाँ पर एप्लीकेशन किया है। हॉस्टल वार्डन जो है यहाँ पर 6 लाख फॉर्म फिलअप किए गए हैं और वैकेंसी जो है वो 669 है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पूरे वैकेंसी में पूरी पोस्ट जितनी भी हैं सबसे ज़्यादा हॉस्टल वार्डन में कंपटीशन है। अब एक चीज और है, यहाँ पर अगर हम देखें जैसे कि TGT में 3 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं कि हाँ फॉर्म जो है वो निकले हैं और हमें जो है हमारी क्वालिफिकेशन है तो हम भर देते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है कि SC ST की जो है यहाँ पर कोई फीस नहीं ली गई है, तो इस वजह से जो है वो जितने भी स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हैं तो उन्होंने सभी ने ही फॉर्म फिल किए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया जो है यहाँ पर भी लगाया जा सकता है, यानी कि 53 अगर स्टूडेंट TGT में एक सीट पर है तो आप जो है ये लगा सकते हैं कि कुल जो है वो 30 या 35 स्टूडेंट जो है यहाँ पर एक सीट पर जो है कंपटीशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर टोटल फॉर्म की संख्या देखकर जो है वो बिल्कुल ना घबराएं। तो एक बार जो है मैं आप लोगों को मेन वेबसाइट पर जो एडवर्टीजमेंट है उसमें आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर प्रिंसिपल की 303, PGT 2,266, अकाउंटेंट 361, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 759, लेबर अटेंडेंट की 373। यहाँ पर 462 जो है वो पोस्ट थी TGT में। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5,660 हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल दोनों की मिलाएं अगर हम, तो मैंने यहाँ पर जो है जो आप लोगों के सामने जो डेटा रखा है ये हॉस्टल वार्डन की दोनों को मिलाकर, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर 669 जो पोस्ट हैं, तो इसके आधार पर मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर 335 मेल की हैं, 334 जो है फीमेल की है, टोटल 6,329 यहाँ पर पोस्ट हैं। तो यदि आप लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि एक सीट पर जो है कितने स्टूडेंट का जो है वो कंपटीशन रहने वाला है तो उसी तरीके से जो है तैयारी होना चालू हो जाती है। और बिल्कुल अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें कि भर्ती जो है वो रद्द होगी, इतनी बड़ी जो है वो भर्ती है तो यहाँ पर जो है भर्ती बिल्कुल रद्द नहीं होगी, आप लोगों का जो है एग्जाम होगा।
और जो न्यूज आ रही थी हाई कोर्ट की, तो आपको पता है कि 17 अक्टूबर तक जो है वो सुनवाई होगी, तो 17 अक्टूबर से पहले तो आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा। और अगर जो है मैं आप लोगों को बताऊं कि वो दिसंबर और जनवरी तक जो है वो आप लोगों का एग्जाम हो सकता है, ठीक है, बाकी 17 अक्टूबर से पहले जो है वो आप लोगों का कोई एग्जाम नहीं होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है रेगुलर रखें, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस भी काफी बड़ा है और सिलेबस को तैयार करने में जो है वो टाइम लगता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।